रुक करेंगे रायपुर का, जहां से बड़ी खबर, प्रदेश महिला कांग्रेस आज विरोध रैली करेगी। महंगाई का विरोध आज महिला कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा और विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन करेंगी। वहां रैली निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता। दोपहर 12 बजे पुराने कांग्रेस भवन से इस रैली की शुरुआत होगी। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, चंदन यादव, छाया वर्मा, ताम्रध्वज साहू सहित सभी वरिष्ठ नेता इस रैली में शामिल होंगे। तो इससे पहले 10 सितंबर को भी महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा भारत बंद किया गया था और आज एक बार फिर प्रदेश की जो महिला कांग्रेस इकाई है उन्होंने महंगाई को लेकर हल्ला बोला है। दिलीप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। दिलीप, पहले भारत बंद और आज ये महारैली। कांग्रेस लगातार पूरे प्रदेश में अपनी चुनाव को देखते हुए अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच महिला कांग्रेस को भी एक्टिव करने के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित की गई है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी आई हुई है, साथ ही साथ सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे और खासकर महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई और रसोई गैस की महंगाई, इन सारी चीजों को भुनाने के हिसाब से यह रैली का आयोजन किया जा रहा है और सरकार पर एक दबाव बनाएगा कि ये आज कैबिनेट के बैठक है तो हो सके वेट में कुछ कम करके पेट्रोल डीजल में राहत दे सके सरकार। इस तरह कहीं ना कहीं एक कवायद की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि इस रैली के बहाने महिला कांग्रेस को यहाँ एक्टिव किया जाए। प्रदेश में महिला कांग्रेस की भूमिका एक भी बड़ी भूमिका रहेगी आने वाले चुनाव में। जी रोमिका, दिलीप, साफ तौर पर माना जाए कि महंगाई की आड़ में यहाँ पर महिला वोट बैंक को साधने का प्रयास भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो चुनाव को देखते हुए अभी जितनी आयोजन होंगे आने वाले समय में ये चुनाव के मद्देनजर ही होंगे और किसी तरह महिला कांग्रेस को एक्टिव करना इनका उद्देश्य है और इसी के तहत ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है राजधानी में। और जो आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे कांग्रेस भवन से रैली के रूप में निकलेगी और ये व्हाइट हाउस, नगर निगम होते हुए, मोतीबाग चौक होते हुए राज्यपाल को ज्ञापन देकर सौंप कर यह रैली समाप्त होगी। जी बहुत धन्यवाद दिलीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।